हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लगर वीडियो में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम खड़े हैं अपने खेत में और खेत से आपको नज़ारा दिखाएं अपने खेत का और हमारे पास में गांव का। आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। व्लॉग की शुरुआत करते हैं ईश्वर को याद करते हुए, ताकि आने वाला समय बहुत खुशियों से बहुत अच्छी तरह से हो और जिस काम की शुरुआत हम आज कर रहे हैं वो काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। ये हमारे ठेकेदार जी हैं जो लेंटर तैयार कर रहे हैं और यहाँ सीमेंट रखी जाएगी, बजरी रखी जाएगी, इसलिए ज़मीन तैयार की जा रही है। नींव पहले खोदी जा चुकी है जिसका मैं वीडियो बना नहीं पाई और अब इसमें लेंटर भरा जा रहा है। लेंटर में इसमें सरिया होगा, सीमेंट होगी और गिरिट होगी। इन तीनों से इसको भरकर इसका फाउंडेशन बेस तैयार किया जाएगा और उसके बाद इस पर मकान खड़ा किया जाएगा। ठेकेदार जी के पास सभी आधुनिक साधन है। ये मिक्सर है जिसमें ये अपना सारा सामान मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद इसको नींव में भरा जा रहा है। सभी जो लेबर है वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम होगा। घर के सामने आपने देखे बहुत पेड़ थे मेरे और अब ये पेड़ बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैंने जेसीबी मंगाकर इन पेड़ों को सीधा सीधा रखवाया है कि शायद ये वापस लग जाए। उम्मीद ये करूँगी कि इनको पानी मिले बारिश का और ये पेड़ यहाँ से उठाकर वहाँ लगाने से लग जाए। इसके बाद हो गई है कि घर में भराई और भराई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि दो दिन में इन्होंने काफ़ी ऊँचाई तक चिनाई का काम भी कर दिया है। जो भी लगे हुए हैं हमारे ठेकेदार जी और इनके मजदूर, इनके साथी लोग, भाई लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। कुछ बैठ के आराम भी करते हैं, सुस्ताते भी हैं और मेरे पेड़ इनको इस समय आराम देते हैं। काम की थकान मिटाने के लिए कुछ आराम और कुछ हंसी मजाक भी इनमें चलता ही रहता है। बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जो भी देखने को आ रहा है वो ये बता रहा है कि चिनाई का काम बहुत खूबसूरत तरीके से हो रहा है। आपको ये जो लंबाई दिख रही है हाइट की चिनाई, ये चार दिन में इन्होंने खड़ी कर दी है और अब आ चुके हैं हमारे जो चौखट होती है वहाँ तक, जिसमें मुख्य कार्य होता है घर की सुहासनी का, घर की बच्ची का। ये एक परंपरा है हमारे कि जब भी नए घर की नींव रखी जाए और जब भी उसकी चौखट चढ़ाई जाए तो घर की जो कन्या होती है, सुहासनी होती है, उसको उसके हाथ से वो काम करवाया जाता है और वो शुभ होता है और उसको कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है। तो हमारे घर की अभी कन्या सुहासनी सोना ही है। आप देख सकते हैं ईश्वर ने काफ़ी साथ दिया है हमारा। बादल बने हुए हैं, डेली बारिश जैसा मौसम रहता है और हल्की हल्की बारिश भी होती है ताकि हमें जो तराई का काम है वो थोड़ा कम करना पड़े। और बहुत जल्दी ही कुल 8 दिनों में ये हाइट इन्होंने खड़ी कर दी। ये बाहर का रूम बना है और ये बाहर उससे भी बाहर का हॉल बना है। हॉल के अंदर से सीढ़ियाँ निकलेंगी और ये भी हॉल का एक हिस्सा है। अब चूंकि यहाँ पीछे पूरा मकान बना हुआ था, ये बाहर से आपको दूर से दिखाई दे रहा है घर की लंबाई और चौड़ाई, जो काफ़ी ज़्यादा लग रही है दूर से देखने पर हमें। दूर से क्या, नज़दीक से जाने पर भी बाहर की जो लंबाई चौड़ाई है वो काफ़ी बड़ी हो गई है और मकान भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये पुरानी सीढ़ियां हैं हमारे घर की जो किचन के पास थी। अब इन सीढ़ियों को यहाँ से हटाकर किचन को बड़ा किया जा रहा है। यहाँ भी जो लेबर है वो बहुत मेहनत से काम कर रही है। ये हमारे दीप जी हैं जो रसोई को फोड़ रहे हैं। पूरी जो मशीनें हैं उनसे इनकी पट्टियों को, दीवारों को तोड़ा जा रहा है और ठेकेदार जी है वो एक ईंट भी ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। हर ईंट को वो अपने हाथ से छीलकर मसाला अलग कर रहे हैं और वो ईंट दोबारा काम में ले लेंगे। ये सीढ़ियाँ सारी निकल गई है और जो स्टोर बना हुआ था सीढ़ियों के नीचे, इसे भी पूरी तरह से अब हटा दिया जाएगा। ठेकेदार जी और इनके जो कारीगर हैं, ये देखो गिरा दी इन्होंने पट्टी और लग गए हैं इस काम में। अब इस किचन को पूरा हटाकर यहाँ पर दूसरा बेस तैयार किया जाएगा, लेंटर भरा जाएगा। और ये जो सामने की दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये दीवार हमारे घर में इंटर करने की मेन गेट यहाँ पे लगा हुआ था। इस मेन गेट को हटा दिया है और इस दीवार को भी ये गिराने की फिराक में है और ये गिरा दी है।
गिरा इसलिए दी है ताकि ये हॉल के अंदर जो आंगन है वो हॉल के अंदर इंक्लूड हो जाए। और इस दीवार को भी तोड़कर पूरी तरह से ईंटें इसकी साफ़ की जा रही है, मलबा है वो काफ़ी दूर फेंका जा रहा है। और ये आए हैं हमारे ट्रैक्टर के ड्राइवर साहब जो बजरी गिरिट सीमेंट ये सब कुछ अंदर डालने का काम, अंदर गिरने का काम हमारे ड्राइवर साहब कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद है हमारे सरपंच साहब को, जिनकी ट्रॉली ट्रैक्टर जो भी साधन है एक फ़ोन करते ही आ जाता है और हमारा काम बहुत सहज हो जाता है। जो भी यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, जो हमारे ठेकेदार जी काम कर रहे हैं, धूप में काम करते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनकी वजह से हम अपने सपनों का महल खड़ा कर रहे हैं। सुबह सुबह मेरी ड्यूटी है यहाँ तराई करने की, पूरे मकान में जो दीवारें हैं उनको पानी लगाने की, और अब हमारे घर में फर्श भी तैयार हो रहा है। फर्श के लिए ईंटें हटाते समय हमें ये छोटे छोटे चूहे के बच्चे दिखाई दिए। ये जो हमारे भाई साहब हैं ईंटें हटा रहे थे और इन्हें यहाँ से ईंटें हटाते हुए ये कुछ इस तरह से हमें बच्चे दिखाई दिए। फर्श जम चुका है, इन बच्चों को हमने साइड में रख दिया एक बार। और बाहर मौसम है वो बहुत ही शानदार हो रखा है, ऐसे में काम करना अच्छा लगता है तो थोड़ा काम सहज हो जाता है। हालांकि पूरा बिखरा पड़ा है बाहर से, लेकिन फर्श तैयार हो गया है। इधर हमारा किचन बनकर तैयार हो गया है, किचन काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है। अभी तक 15 दिन हुए हैं और 20 दिन हो गए चिनाई का काम होते हुए, 20 दिन में बहुत बार तेज़ बारिश आई है, यानी मेरा जो काम है तराई का वो काफ़ी कम हो गया। रूम में फर्श लग गया है, हॉल में भी फर्श लग गया है, पूरी ईंटें बिछा दी गई है यहाँ पर। ईंटें बिछाने के बाद ही RCC की जाएगी, ऊपर जो सेटरिंग का काम है वो किया जाएगा। ये हमारा छोटा सा पूजा घर बनाया गया है 10x6 का, और ये हॉल तैयार हुआ है। हॉल के पीछे एक बड़ा सा कमरा तैयार हुआ है और कुछ इस तरह से नीचे का जो पोर्शन है वो उसका तैयार होगा। हाइट इसकी 12 फीट ली गई है। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, आपको बता दूं मैं आपको कि ये जो फर्श है वो तैयार हो गया, किचन तैयार हो गया, हॉल तैयार हो रहा है और ये पूजा घर में फर्श डाला जा रहा है। इसको ये घोड़िया पिलाना कहते हैं, फर्श में सीमेंट पिलाई जा रही है ताकि ये इक्वल हो जाए ऊपर से। बहुत मेहनत का काम है, पूरे सीमेंट लग जाती है हाथ में भी और पैरों में भी, और पैर और हाथ फटने का डर बना रहता है। इधर जो भी हमारे भाई साहब हैं ये छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन काफ़ी बड़े हैं, बहुत मेहनती हैं। और फर्श तैयार करना, मकान तैयार करना सारा इन्हीं के हाथों से हो रहा है। ये फिर बारिश हो गई आज। कहते हैं कि बारिश में यदि मकान बनाया जाए तो वो बहुत मजबूत रहता है, सीमेंट मजबूत पकड़ कर लेती है अपनी। और ईश्वर की कृपा से शुभ संकेत है कि काफ़ी बारिश हुई है। मकान शुरू करने के बाद 6-7 बार बारिश हो गई और वो भी काफ़ी अच्छी। यहाँ छोटी सी क्लिपिंग है हमारे स्कूल की, स्कूल में भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और 3rd फ्लोर पर आज छत डल रही है। तो ये 3rd फ्लोर है और वहाँ छत लिफ्ट से सारा सामान पहुँचाया जा रहा है। नीचे लेबर लगी है, वर्कर लगे हैं जो मिक्सचर से सामान मिला रहे हैं, माल को मिला रहे हैं, और ये लिफ्ट से उस माल को ऊपर पहुँचाया जा रहा है। बहुत मेहनत का काम है ये, सैल्यूट करती हूँ मैं, क्योंकि इस दिन बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। देख सकते हैं कोई भी बादल नहीं है आसमान में, और फिर भी ये शिद्दत से लगे हुए थे, पूरे दिन लगे रहे। ये दोपहर का समय है, करीब 2-3 बजे का समय है जब इतनी भयंकर गर्मी थी, और इस गर्मी में भी ये सभी काम कर रहे हैं। ये एक छोटी सी क्लिपिंग और है जो यादगार है। यहाँ शर्मा जी मेहनत कर रहे हैं सीमेंट के कटे चकाने में, ये हमारे ठेकेदार साहब हैं। बारिश होने वाली है और कहीं कट्टे भीग नहीं जाएं सीमेंट की, इसलिए हमारी MBBS डॉक्टर साहब हैं, इनको भी हमने लगा दिया है काम पर, और बाहर से उठा उठा कर सीमेंट के कट्टे अंदर डाले जा रहे हैं। ये रोहित पूनिया जी हैं जो MBBS करने के लिए फिलीपींस जाने वाले हैं और यहाँ मैम के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक थैंक यू इनके लिए भी बनता है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं सीमेंट भीग नहीं जाए, कोई नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए तो जब भी कोई घर बनता है सपनों का तो उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। एक घर को बनाने में सीमेंट बनाने वाले से लेकर ईंट बनाने वाले और यहाँ हमारे घर को स्ट्रक्चर आकार देने वाले लेबर, मिस्त्री, कारीगर,
लोहा बनाने वाले, सरिया बनाने वाले, असंख्य लोगों का हाथ होता है, असंख्य लोगों की मेहनत होती है जिससे सपनों का घर तैयार होता है। यहाँ हमने अब तैयारी की है पोर्च बनाने की, घर के आगे एक पोर्च बनाया जाए तो उसके लिए दो पिलर खड़े किए जाएंगे और ये पिलर की नींव भरी जा रही है जिसमें सीमेंट, कंक्रीट और मजबूती के लिए डाले जा रहे हैं, उसको भरा जा रहा है। मेहनती छोरो है, कितनी मेहनत करे रात और दिन। अब देखो सीमेंट में लाई का पग खराब हो रहे हैं लेकिन फिर भी लाग रही है, लाग रही है। बाकी ये देखो से आराम करे, कोई खेनी खावे, कोई चाह पिए। देखो मार शर्मा जी तो कोई चाह पिए रात और दिन, बहुत काम करे छोरो, बात खावे। नींव में सीमेंट देने के बाद उसे पत्थर से भरा गया है, पट्टियां डाली गई है, कुछ पट्टियों के टुकड़े डाले गए हैं ताकि जो नींव है वो मजबूत हो जाए। और सही है, नींव जितनी मजबूत होती है भवन उतना ही मजबूत बनता है। बचपन में राम वृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध पढ़ा था नीम की ईंट, और आज देखने को मिला वास्तव में जो नीम की ईंट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन भवन उसी पर तैयार होता है। यहाँ इस जमीन में इतना सारा लोहा, सरिया, सीमेंट ये डालकर इसको मजबूत बनाया जा रहा है ताकि यहाँ जो बनने वाला भवन है, बिल्डिंग है, वो मजबूत हो। मैं चलूं जी, मैं ठेकेदार जी, जगह फाउंडेशन कोर्स तैयार करिए। ओ है फाउंडेशन कोर्स, ओ है लीडर, एर ए है गुमास्ता, गुमास्ता मारा तो बोलो। एर एक है यहाँ पर भारत के मशहूर खुफिया डाकू बीरप्पन, अरे भाई भवानी भाई है, बोलो है बीरप्पन है। हाँ ये भाई फाउंडेशन कोर्स तैयार करने वाला ये। तो बेस तैयार करने में बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारा लोहा सीमेंट लगी लेकिन अब हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है 14 इंच का पिलर। और हमें तो सिर्फ पिलर पे ही टिका हुआ दिखाई देगा ये पोर्च, लेकिन हमने जब देखा है तो वास्तव में हमें पता है कि इसमें कितना सारा लोहा सरिया लगा है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, और उन्हीं की मजबूती से इसकी मजबूती टिकी रहेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटा सा पिलर चीरने के लिए, 2 दिन हो गए हैं इन्हें, 5 वर्कर काम कर रहे हैं और फिर भी अभी तक बने नहीं गए हैं। तो वास्तव में इनकी जो मेहनत है हमें दिखाई दे रही है और मौका मिला है मुझे इनकी मेहनत को नज़दीक से जानने का। बहुत मेहनत करते हैं तब कोई अच्छा काम होता है। तो तहे दिल से फिर आभार है इन सब का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए और दिल से काम कर रहे हैं। मेहनत तो देखो सभी वर्कर करते हैं, सभी व्यक्ति करते हैं अपने पेट को पालने के लिए, लेकिन एक होता है काम को मन से करना, धैर्य से करना। तो यहाँ वही काम हो रहा है, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, धैर्य से कर रहे हैं। तो इनके जो एहसान है, एहसान ही कह सकते हैं हम, हमने एक पाठ पढ़ा था मजदूरी और प्रेम, जिसमें कहा गया है कि हम मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दे सकते, प्रेम के द्वारा ही हम उनके ऋण को चुका सकते हैं। तो ये पूरा बेस तैयार है हमारे पोर्च का, या नीचे पिलर तैयार हो गए और इसी के साथ साथ नीचे जो पोर्च बनेगा उसका बेस भी तैयार हो गया है। तो उम्मीद करते हैं हमारे सपनों का घर बहुत ही खूबसूरत होगा। आप हमारे इस सफ़र में बने रहें, अभी 15 दिन हुए हैं काम शुरू किए हुए और काफ़ी ऊंचाई तक आ गया। अंदर ये सीढ़ियाँ बन रही है हॉल में, सेटरिंग का काम चालू है। यहाँ भी लोहा है वो थोड़े दिनों बाद हमें दिखना भूल जाएगा, और यहाँ जब ग्रेनाइट लगेगी तो हम तारीफ़ सिर्फ ग्रेनाइट की करेंगे लेकिन ग्रेनाइट की मजबूती देने के लिए ये जो नीचे लोहा लगा है ये ढक जाएगा। तो ये भी एक तरह से नींव ही है जो हमें ऊंचाई तक ले जाने वाली सीढ़ियाँ बनाने के लिए, तैयार करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस लोहे को हम बाद में भूल जाएंगे, सिर्फ ग्रेनाइट की सुंदरता ही हम देख पाएंगे। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी लंबा चलेगा, 2-3 महीने और लग जाएंगे। तब तक हम आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे, घर जो बनेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे ठेकेदार जी और हमारे इन वर्कर्स के साथ। और चैनल यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाते जाते कमेंट करते जाएँ हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे मेहनती बच्चों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएँ।